दिल्ली के शराब घोटाला केस में एक्शन में ईडी, कई राज्यों में छापेमारी जारी। शराब घोटाला केस में दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 जगहों पर ईडी का छापा। शराब घोटाले में ईडी के एक्शन पे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा बर्बाद किया जा रहा है अधिकारियों का वक्त। केजरीवाल के मुताबिक 300 से ज्यादा ईडी और सीबीआई अफसरों ने 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की, लेकिन पहले की तरह कुछ भी नहीं मिला। 12 पहुंचे बीजेपी विधायक मदन दिलावर का कांग्रेस पर हुआ हमलावर, कांग्रेस की गहलोत सरकार को बताया हिंदू विरोधी। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा मुख्यमंत्री के आवास पर इफ्तार पार्टी में दंगे के आरोपी आतंकियों को दिया जाता है न्योता, सीएम निवास को बताया आतंकियों की शरण स्थली। कांग्रेस 100% हिंदू विरोधी है, यदि कोई कांग्रेस को वोट देता है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान राम का विरोधी है, भगवान कृष्ण का विरोधी है। हरियाणा के वन और पर्यावरण मंत्री कंवर पाल गुर्जर को सताई मधुमक्खियों की चिंता, कहा 5G नेटवर्क से निकलने वाली तरंगों का मधुमक्खियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र के ठाणे में लोकल ट्रेन में सीट को लेकर कुछ महिलाओं के बीच हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। ट्रेन में महिलाओं के सीट का झगड़ा सुलझाने पहुंची महिला पुलिसकर्मी का फूटा सर, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। गृह मंत्री अमित शाह आज से सिक्किम और असम के दौरे पर, पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे संवाद। सिक्किम में डेली कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा, बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक में होंगे शामिल, कल और परसों असम का दौरा करेंगे। डेयरी कॉन्क्लेव को लेकर तैयारी पूरी, गृह मंत्री शाह के स्वागत में पहुंची जनता, महिलाओं ने लहराया तिरंगा। कर्नाटक के माले नाहली इलाके में आज निकलेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आज नहीं जुड़ेगी प्रियंका गांधी, पहले प्रियंका के आज भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की थी खबरें। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट का आज अहम फैसला, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला या फवारा, इसकी तस्दीक के लिए कार्बन डेटिंग से जांच की मांग, दोपहर बाद वाराणसी कोर्ट सुनाएगा निर्णय। कर्नाटक के बीदर में गवान मदरसा और मस्जिद में ताला तोड़कर जबरन घुसे कुछ अराजक तत्व और की जमकर नारेबाजी, कल जब श्रीराम भारत माता जय के नारे भी लगाए गए। सुरक्षा कर्मियों को भी धमकाया, पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है गवान मदरसा और मस्जिद। अराजक तत्वों ने गवान मदरसा और मस्जिद में जबरन घुसने के बाद पुरातत्व विभाग की संपदा को नुकसान पहुंचाया, अंदर कूड़ा कचरा फेंका, 9 आरोपियों पे केस दर्ज। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 5 अभी तक फरार। पुलिस के मुताबिक निजाम काल से मीनार के पास पूजा की परंपरा है। पुलिस ने दिया हवाला, पहले 3 से 4 लोग मीनार के पास पूजा की परंपरा को निभाते थे, इस बार ज्यादा लोग घुसे। बीदर में गवान मदरसा और मस्जिद में अराजक तत्वों के जबरन घुसने पर अल्पसंख्यकों ने जताया एतराज। ये वाकया जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर के इसका लॉक तोड़ी है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा उदयपुर के पास बनकर तैयार, 351 फीट है ऊंचाई, 20 किलोमीटर दूर से होता है दीदार। श्रीनगर में फैशन शो का आयोजन, युवाओं ने बढ़ चढ़कर फैशन शो में लिया हिस्सा, रैंप पर दिखाया जलवा।
चित्रकार मुनीर अली खान ने बनाई प्रकृति पर आधारित पेंटिंग, घर बन चुका है खूबसूरत तस्वीरों का संसार। रायपुर में पिट्ठुल खेल का आयोजन, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते दिखे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गोवा सरकार और भारत के स्टार्टअप के बीच समझौता, सीएम प्रमोद सावंत ने इस पहल की सराहना की। यूपी के शाहजहांपुर में निकाली गई भगवान राम की राजगद्दी की शोभा यात्रा, रथ को श्रद्धालुओं के साथ मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी अपने हाथों से खींचा। भगवान राम की राजगद्दी की शोभा यात्रा को देखने के लिए उमड़े हजारों लोग, सालों से चली आ रही है ये परंपरा। गुजरात के नर्मदा में निभाई गई अनूठी परंपरा, गयारस के दिन रावण के पुतले को सजाकर निकाली गई यात्रा, लोगों ने किया गरबा। तिरुपति के तिरुमल मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। ओडिशा के पुरी में कुमार उत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की, नेचुरल फार्मिंग पे हुई चर्चा। दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का दीक्षांत समारोह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्वामी आत्मानंद महाराज जयंती समारोह, सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। महाराष्ट्र के अकोला में प्रकाश आंबेडकर की दशहरा रैली, दशहरे के दूसरे दिन हुई बारिश के बावजूद डटे रहे लोग। काजीपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक ने मुलायम सिंह यादव की सलामती के लिए साईं मंदिर में की प्रार्थना, हवन पूजन भी हुआ। पुणे में जैविक खेती पर सम्मेलन का आयोजन, गुजरात के राज्यपाल हुए शामिल, किसानों को किया संबोधित। दिल्ली में भारतीय गुणवत्ता परिषद के रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। दिल्ली में एक्जिम बैंक ने आयरा पुरस्कार 2021 का आयोजन किया, सीईए वित्त मंत्री वी अनंत नागेश्वर ने हिस्सा लिया। 90वें वायुसेना दिवस समारोह की तैयारी, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। गोवा में साइबर जागरूकता दिवस का आयोजन, पुलिस ने लोगों को साइबर क्राइम के लिए सावधान किया। अलवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रैक्टर चोर गैंग के सभी अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। राजगढ़ में शराब के नशे में जलते रावण के पुतले के नीचे जा बैठा युवक, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक की जान बचाई। लखीसराय में एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता, दो हथियार तस्करों को किया गया गिरफ्तार, 4 पिस्टल्स और 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वाराणसी में दो साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सोशल मीडिया पर लड़कियों को करता था ब्लैकमेल। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने नौकरी कर रहे दो भाई सस्पेंड किए, फर्जी दस्तावेज लगाने के आरोप में कार्रवाई की गई। लखनऊ में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, फर्जी जज का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। सहरसा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोबाइल के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। थाने में पुलिस के हाथ आई बड़ी कामयाबी, 20 करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रेस्टोरेंट संचालक के अपहरण मामले में 10 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली कस्टम्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली एयरपोर्ट पर जब्त की 28 करोड़ की घड़ियां। नोएडा में पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर, पुलिस ने बदमाश को लिया हिरासत में। मैनपुरी में पुलिस के हाथ आई बड़ी कामयाबी, 5 वांटेड बदमाशों पर कसा शिकंजा।
देवघर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। रोहतक में कृषि विभाग के दफ्तर में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापा मारा, रिश्वत लेने के आरोप में मार्केटिंग अफसर को गिरफ्तार किया, 1,00,000 रुपए भी बरामद किए। मुरादाबाद से सामने आया बारात में मारपीट का मामला, पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आगरा में अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्त, 4 अस्पतालों को किया सील, 19 अस्पतालों को आग से सुरक्षा के मानदंड पूरा नहीं करने पे नोटिस जारी। यूपी में डग्गामार बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, ऑटो ने 5 बसों समेत 22 वाहनों को सीज किया। यूपी के पीलीभीत में भाई से जमीन विवाद में तहसील में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, आत्मदाह का किया प्रयास, लोगों ने बचाया। बारा में लहसुन की खेती करने वाले किसान भाव नहीं मिलने से परेशान, नदी में बहा रहे हैं लहसुन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को उपराज्यपाल का नया फरमान, दिल्ली के दिवाली के पहले सभी दलित सफाई कर्मियों का पूरा बकाया भुगतान करने का निर्देश। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में उफान, खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर पहुंची नदी, डीएम ने जारी किया अलर्ट। नेपाल में बारिश से बड़ा गंडक का जलस्तर, गोपालगंज के 6 प्रखंडों के 33 गांवों पर फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। श्रावस्ती में राप्ती नदी अपने उफान पर, आसपास के इलाकों और गांव में भरा पानी। बलरामपुर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। दिल्ली और एनसीआर में देर रात से हल्की बारिश, तापमान में गिरावट, मौसम हुआ सुहाना, एयर क्वालिटी में भी सुधार के आसार। उत्तरकाशी में द्रौपदी डांटा, दो पहाड़ी पर बर्फीले तूफान का शिकार हुए 29 लोग, खराब मौसम के चलते उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट। टिहरी गढ़वाल में मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश की चेतावनी, जिलाधिकारी ने जिले में 1 से 12 तक स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज 1 दिन का अवकाश घोषित किया। हिंगोली में भारी बारिश से फसलें बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश के बाद जलभराव का संकट, सड़क के गड्ढे बने आफत, कामकाज के लिए घर से निकली महिला जलभराव में गिरी। फिल्मादी पुरुष पर कई राज्यों में पाबंदी की उठी मांग, बीजेपी नेता राम कदम की धमकी, फिल्म को महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे रिलीज। राम की शिक्षा स्थली बक्सर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की मांग, जो फिल्म भगवान राम का करे अपमान उस पर रोक लगाए सेंसर बोर्ड। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी, सिनेमा हॉल में फिल्म आदि पुरुष को नहीं चलने देंगे, केंद्र से सेंसर बोर्ड को भंग करने की मांग। बजरंगबली के अपमान पर फड़की भारतीय आवाम पार्टी, वाराणसी में फिल्म आदि पुरुष के कलाकारों का जलाया पुतला। संभल में भी फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदू जागरण मंच के विरोध में फिल्म को बैन कराने की मांग।